नमस्कार दोस्तों, झारखंड फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज उड़ान पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इससे पहले दोस्तों, हम लोग झारखंड पेपर टू का प्रैक्टिस सेट वन कर चुके हैं। दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों, टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है जो पहला करा चुके हैं। और आज हम लोग दोस्तों देखिए, ये है प्रैक्टिस सेट वन, इसको हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग दोस्तों मॉडल प्रैक्टिस सेट 15 करेंगे। तो टॉप से दोस्तों हम लोग नीचे से चलेंगे, पहला करा चुके हैं और हम लोग सेट 15 करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा करेंगे, फिर सेट 14 करेंगे, फिर इसी तरह से करते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं प्रैक्टिस सेट 15। पहला क्वेश्चन है, बोलता है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के किस धारा के अधीन राज्य के लिए तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजना राज्य योजना का उल्लेख है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, धारा 23। क्या हो जाएगा? धारा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी शासन व्यवस्था का विभाजन कितने स्तरों पर किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा? 3। तो 3 कौन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पहला हो जाएगा ग्राम स्तर, दूसरा हो जाएगा पट्टी पढ़ा स्तर, और तीसरा हो जाएगा राज्य स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष रामगढ़ हिल ट्रैक्ट बनाया गया था? तो रामगढ़ हिल ट्रैक्ट किस वर्ष बनाया गया था दोस्तों? तो 1780 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1780 ईस्वी में। बोलता है कि छोटा नागपुर खास रामगढ़ तथा चतरा को मिलाकर रामगढ़ हिल ट्रैक्ट बनाया गया। इसका संचालन सिरघाटी से किया जाता था तथा चैपमैन की इस क्षेत्र से कर वसूली की जिम्मेदारी थी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? रामगढ़ हिल ट्रैक्ट कहाँ बनाया गया था, नहीं किस वर्ष बनाया गया था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 1780 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताकि निम्न में से किस जनजाति में 20-22 गांवों की पंचायत को बायसी कहा जाता है? तो कौन से जनजाति में बायसी कहा जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? करमाली। ऑप्शन बी हो जाएगा, करमाली। तो करमाली जनजाति में परगना से ऊपर 20-22 गांवों की एक पंचायत होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? बायसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सिफारिश पर ब्रिटिश काल में रांची जिले में भूमि का पैमाइश और बंदोबस्ती का काम सौंपा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, लिस्टर एवं जॉन रीड। क्या हो जाएगा? लिस्टर एवं जॉन रीड। द ब्रिटिश सरकार ने छोटा नागपुर के तत्कालीन कमिश्नर फारबेस को सिफारिश पर लिस्टर एवं जॉन रीड को रांची जिले में भूमि की पैमाइश और 1902 ईस्वी में बंदोबस्ती का काम सौंपा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 के अंतर्गत पुनर्स्थापन और पुनर्वास समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुमंडल पदाधिकारी से अन्यून किसी सरकारी अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि बिरहोर जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा असत्य है? तो कौन सा कथन बोलता है कि गलत है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इनमें सर्वाधिक प्रचलित विवाह को सांगा बापला कहा जाता है। तो यह सांगा बापला नहीं कहा जाता है दोस्तों। इसमें बोलता है कि बिरहोर जनजाति में कुल 10 प्रकार के विवाहों का प्रचलन है। करे विवाह इस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। क्या है दोस्तों? इसमें करे विवाह है, लेकिन यहाँ पर सांगा बापला कहा जाता है, ये गलत है। यहाँ पे करे विवाह होना चाहिए। तो क्वेश्चन के अनुसार दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताकि भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली किस वर्ष लाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताकि कृषि उपज एवं विपणन विधेयक 2022 के अनुसार कृषि बाजार में क्रेता को कितनी प्रतिशत की दर से शेष का भुगतान किया जाना निर्धारित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2%। ऑप्शन ए हो जाएगा, कितना? 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताकि संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास है, संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाड़म वाक आतो। क्या हो जाएगा? हाड़म वाक आतो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताकि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य
कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राज्य का मुख्य सचिव। कौन होता है? राज्य का मुख्य सचिव आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्यकर्मियों समिति का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा पंच का आयोजन किस समय किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, आश्विन पूर्णिमा में। कब किया जाता है? आश्विन पूर्णिमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताकि ब्लू डॉट लौह अयस्क की खान निम्न में से किस जिले में स्थित है? ब्लू डॉट लौह अयस्क किस जिले में है दोस्तों इसकी खान? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पूर्वी सिंहभूम। तो ब्लू डॉट लौह अयस्क की खाने हाथूजोला पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ है दोस्तों? हाथूजोला में है, जो पूर्वी सिंहभूम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि मिलान करें, तो मिलान करने बोला जा रहा है दोस्तों, तो देखिए बोलता है पंख योजना। तो पंख योजना कब हुआ था दोस्तों? इसका पंख योजना जो है ये 2017 में। उसके बाद बोलता है मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना, ये हो जाएगा दोस्तों 2015 में। इसको बोलते हैं सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना, क्या? सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना, इसका हो जाएगा 2020 में। झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना, ये हो जाएगा 2022 में। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा, सॉरी ये नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, दूसरा का पहला, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा का ये, पहला का बी, चौथा का सी और तीसरा का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 के अनुसार झारखंड सरकार के द्वारा ब्लॉकचेन तकनीक से राज्य में बीज वितरण की घोषणा की गई है, ऐसा करने वाला देश का यह कौन सा राज्य है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रथम, ऑप्शन ये हो जाएगा प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के वनों पर सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव डालने वाला कौन सा कारक है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, आग, क्या हो जाएगा? आग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में झारखंड सरकार DMFT व इसके फंड का उपयोग कर प्रत्येक जिला में आधारभूत संरचना संबंधी विकास योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है, ये DMFT क्या है? तो DMFT का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है दोस्तों, तो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट माइनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट माइनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब कि मिलान करें, एक तरफ देखिए दोस्तों ये पर्यटन स्थल और उसका जिला के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा पर्यटन स्थल कौन सा जिला में है, इसको मिलान करने बोला जा रहा है। देखिए साइंस सिटी, तो साइंस सिटी कहाँ है दोस्तों? साइंस सिटी, तो देखिए दोस्तों साइंस सिटी जो है, देखिए बी देखते हैं, टांगी नाथ मंदिर जो है वो कहाँ पे है? टांगी नाथ मंदिर दोस्तों ये आपका गुमला में है। कहाँ है? टांगी नाथ मंदिर गुमला में है। तो लुगुबुरु घंटाबाड़ी ये कहाँ पे है? ये आपका बोकारो में है। और बारकोप्पा पहाड़ी जो है दोस्तों वो आपका गोड्डा में है। कहाँ है? गोड्डा में। और साइंस सिटी दोस्तों ये हो जाएगा रांची, साइंस सिटी का रांची हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है जिरकन नामक खनिज की प्राप्ति झारखंड के किस जिले में होती है? तो जिरकन नामक खनिज की प्राप्ति झारखंड के किस जिले में होती है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल पहला और दूसरा, रांची और हजारीबाग में। कहाँ पे होता है जिरकन खनिज की प्राप्ति, कहाँ से होती है झारखंड में दोस्तों? तो रांची और हजारीबाग में। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में पर्ल फार्मिंग किस जिले में शुरू की गई है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, खूंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म असत्य नहीं है? मतलब कौन सा युग्म दोस्तों गलत नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्जुन मुंडा भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष है, ये जो है दोस्तों गलत नहीं है। अर्जुन मुंडा जो है क्या है? भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ताकि मिलान करें, एक तरफ व्यक्ति का नाम है दूसरे तरफ उपनाम है, इसको मिलान करने बोला जा रहा है दोस्तों। चलिए मिलान करते हैं। देखिए तिलका मांझी हो जाएगा दोस्तों, आधी विद्रोही, क्या हो जाएगा आधी विद्रोही। उसके बाद आपका है कुमार नृपेंद्र नाथ सहदेव, ये हो जाएगा आपका नेचुरल लीडर, क्या हो जाएगा नेचुरल लीडर। उसके बाद राम विनोद सिंह, तो राम विनोद सिंह क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हजारीबाग का जतिन बाघा, क्या हो जाएगा हजारीबाग का जतिन बाघा। और बसंत कुमार तिर्की, ये हो जाएगा आपका चाचा, बसंत कुमार तिर्की क्या हो जाएगा दोस्तों चाचा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पाँचवा का ये नहीं, ए का पाँचवा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला परिषद का पदेन सचिव कौन होता है, तो जिला परिषद का पदेन सचिव कौन होता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा उप विकास आयुक्त, क्या हो जाएगा उप विकास आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है झानो हंसदा कौन है, देखिए झानो हंसदा क्या है, तो झानो हंसदा हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा तीरंदाज, झानो हंसदा कौन था दोस्तों, तो तीरंदाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताकि झरिया पुनर्वास योजना 2023 के तहत कितनी आर्थिक सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 लाख रुपए, क्या हो जाएगा 5 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के एक छात्र रुपेश कुमार ने किस नाम से एक खास डिवाइस एप्लीकेशन तैयार किया है जिसकी मदद से किसी दुर्घटना उपरांत नज़दीक के अस्पतालों पुलिस स्टेशनों में इसकी सूचना लोकेशन सहित मिल सकेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रक्षक, ऑप्शन बी हो जाएगा रक्षक। 23 ऐप झारखंड के 10वीं कक्षा के एक छात्र द्वारा तैयार किया गया है जिसमें दुर्घटना स्थल के 1 किलोमीटर के दायरे में सभी अस्पतालों पुलिस आसपास के रजिस्टर्ड कार चालकों को इसकी सूचना मिल सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए पुरान जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं, तो पुरान जनजाति में दोस्तों कितने गोत्र पाए जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 13, कितने गोत्र पाए जाते हैं 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत कब की गई, तो मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत कब की गई दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 15 जुलाई 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांझी प्रगना शासन व्यवस्था के संदर्भ में असंगत है, बताए दोस्तों कौन सा सही मिलान नहीं है, तो देखिए दोस्तों लोबीर सेंद्रा जो है शिकार परिषद, ये दोस्तों सही नहीं है, लोबीर सेंद्रा जो है दोस्तों वो शिकार परिषद नहीं है। लोगिन लोबीर सेंद्रा क्या है दोस्तों, लोबीर सेंद्रा जो है वो सर्वोच्च न्यायिक संस्था होती है, क्या होती है दोस्तों सर्वोच्च न्यायिक संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताकि संदानों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा असत्य है, यहाँ भी पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों संदान कबीलाई होते हैं, ये सही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संदान कबीलाई होते हैं। ताकि संदान झारखंड के गैर जनजाति मूल निवासियों को कहा जाता है, राज्य की कुल जनसंख्या में इनकी हिस्सा लगभग कितना है दोस्तों, तो 60% है संदान समुदाय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताकि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में कुल कितने सदस्य होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में हैरो पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, हैरो पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हो, क्या हो जाएगा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीदी बाड़ी योजना का उद्देश्य क्या है, दीदी बाड़ी योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य में कुपोषण की समस्या को खत्म करना, क्या हो जाएगा राज्य में कुपोषण की समस्या को खत्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति झारखंड कैबिनेट द्वारा किस वर्ष अनुमोदित की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है दोस्तों, क्या है 143H, क्या हो जाएगा 143H। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष निम्न में से कौन है, तो तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जुन मुंडा, ऑप्शन ए अर्जुन मुंडा, ये भारतीय जनता पार्टी का नेता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्डन रिच
शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, यह इकाई झारखंड सरकार के अंतर्गत कार्यरत है, यह इकाई झारखंड सरकार के अंतर्गत कार्यरत है, ये जो है दोस्तों ये सही नहीं है। उल्टा है कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है, ये कंपनी जो है दोस्तों ये झारखंड सरकार के साथ काम नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर्व को राइज बहरलक के नाम से जाना जाता है? तो राइज बहरलक के नाम से कौन सा पर्व जाना जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुरा, क्या हो जाएगा? बहुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के वर्तमान मंत्री परिषद में एसटीएससी एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कौन है? दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनटी एक्ट 1908 के किस धारा में वस्तु रूप में देय लगान के रूपांतर का उल्लेख है? तो कौन सा धारा होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, धारा 61, क्या हो जाएगा? धारा 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताया कि निम्न में किस आंदोलन में देशोद्वारक दल की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों साफाहोड़ आंदोलन, क्या हो जाएगा? साफाहोड़ आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर कष्टकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत अंधिभोगी रैयत की बेदखली का आधार का उल्लेख किस धारा में है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों धारा 41, क्या हो जाएगा? धारा 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के आदिवासी आंदोलनकारी पोटो सरदार का जन्म कहाँ हुआ था? तो पोटो सरदार का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम, कहाँ हुआ था? पूर्वी सिंहभूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में पाई जाने वाला शीत वर्षा प्रकार की जलवायु के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 150 सेंटीमीटर होती है। तो झारखंड के शीत वर्षा प्रकार वाले जलवायु के अंतर्गत झारखंड राज्य के प्रभावित पाट क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जो राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो ये दोस्तों सही नहीं है, इसलिए क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताकि जनजातीय सलाहकार परिषद TAC की बैठक की कोरम हेतु अध्यक्ष सहित कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 7, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CNT एक्ट के किस अध्याय में बंजर भूमि के बंदोबस्त का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? अध्याय 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताकि झारखंड में भारतीय लाह शोध अनुसंधान केंद्र की स्थापना निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लिंडसे हार्लो, ऑप्शन ए हो जाएगा, लिंडसे हार्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताकि मारंग गांव के जयपाल सिंह मुंडा प्रदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत कुल कितने विषयों की पढ़ाई हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 31, ऑप्शन डी हो जाएगा 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताकि झारखंड कैंपा CAMPA प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंध एवं योजना प्राधिकरण की गतिविधियों निम्न में से किससे जुड़ी हुई है, जो राज्य में पौधरोपण परियोजना को पर्यवेक्षित करता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताकि दलमा वन्य जीव अभयारण्य में किस वर्ष एशियाई हाथियों के सब स्थान संरक्षण हेतु हाथी परियोजना प्रारंभ की गई? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1992, क्या हो जाएगा? 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री अवार्ड 2024 के लिए झारखंड से नामित पूर्णिमा महतो किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तीरंदाजी। ताकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के किस अध्याय में वित्त लेखा और समपरीक्षा का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, अध्याय 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के हिंदी साहित्य और साहित्यकारों के संदर्भ में सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राधा कृष्णन तथा बैद्यनाथ पोद्दार झारखंड के क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 26 जून 1981, कब किया गया था? 26 जून 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में प्रचलित आभूषण बटरिया बाघ बंकी शरीर के किस भाग में पहना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन बी हो जाएगा, पैर में। कहाँ पहने जाते हैं? पैर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोंड जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो खोंड जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गोटिया। क्या कहा जाता है? गोटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में कार्बन स्टॉक लगभग कितने टन प्रति हेक्टेयर है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा 77.92%। क्या हो जाएगा? 77.92%। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के वनों में बिना अनुमति के सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, संरक्षित वन। क्या हो जाएगा? संरक्षित वन। मतलब वैसे वन जिन पर मनुष्यों को कुछ प्रतिबंधों के तहत पशु चराने एवं लकड़ियों को काटने की अनुमति प्राप्त होती है संरक्षित वन कहलाते हैं। इस प्रकार के वनों में बिना अनुमति के सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है। यह वन राज्य के कुल वन क्षेत्र का 75.35% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताकि धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम का दक्षिणी भाग। क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम का दक्षिणी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताकि छोटा नागपुर भू धरती अधिनियम 1869 के अनुसार भूमि संबंधित आवश्यकता अनुसार कोई नियम बनाने तथा आदेश पारित करने का अधिकार निम्न में से किसी है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताकि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के संदर्भ में असंगत है, कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, देवान। बोलता है देवान जो है वो खजांची है, देवान है जो है क्या है दोस्तों? खजांची है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है खजांची है, लेकिन देवान जो है दोस्तों राजा का सलाहकार होता है। कौन होता है? राजा का सलाहकार होता है। इसलिए दोस्तों ये गलत है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये आपका सही है आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तक रेशम उत्पादन की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र राज्य में प्रथम स्थान पर है? कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो राज्य में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंहभूम। क्या हो जाएगा? सिंहभूम हो जाएगा, ऑप्शन डी सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताकि पंख योजना किस वर्ष लाई गई थी? तो पंख योजना किस वर्ष लाई गई थी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 2017 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है SPT एक्ट के किस धारा में जींस जातु वस्तु के रूप में लगान नहीं वसूल किए जाने का उल्लेख? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ये, धारा 43। क्या हो जाएगा? धारा 43। बोलता है धारा 43 के अंतर्गत जमींदार या ग्राम प्रमुख या मूल रैयत को वस्तु रूप में लगान पाने का अधिकार नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के राज्यसभा सदस्यों में कांग्रेस के एकमात्र सदस्य कौन है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी धीरज साहू। क्या हो जाएगा? धीरज साहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री सहित ग्राम विकास योजना का शुरुआत किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 2017 ईस्वी में। कब किया गया? 2017 में, 18 दिसंबर 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए ताकि पनभारा ये तो है, महतो मानकी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, पढ़ा दीवान। क्या हो जाएगा? पढ़ा दीवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है CNT एक्ट 1908 के अंतर्गत अभिधारी द्वारा लगान का भुगतान किस रूप में किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कृषि वर्ष की प्रत्येक तिमाही पर। क्या होगा? कृषि वर्ष के प्रत्येक तिमाही पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस जनजाति में मुआ पूजा का सर्वाधिक महत्व है? तो मुआ पूजा का सर्वाधिक महत्व किस जनजाति में है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पहरिया। क्या हो जाएगा? पहरिया जनजाति। ये दोस्तों आदिम जनजाति है, तो ये क्या हो जाएगा? पहरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताया कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य के कुल कृषिगत भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर जायद फसल की खेती की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा? 0.17%। क्या हो जाएगा? 0.17%। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताया कि मुंडा जनजाति के संदर्भ में कौन सा या सत्य है, कौन सा गलत है दोस्तों, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, खूंट समाधि स्थल यहाँ बोला जा रहा है, लेकिन खूंट का मतलब होता है दोस्तों मुंडा जनजाति में एक परिवार से है, क्या है?
एक परिवार से। तो इसका आंसर ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसपीटी एक्ट के किस धारा में भवन निर्माण तथा अन्य परियोजनाओं से भूस्वामी द्वारा भूमि के अधिग्रहण संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों धारा 53। क्या हो जाएगा? धारा 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताकि नीलम नीरद सहित झारखंड के 7 4 संस्कृति कर्मियों को भारत का फेलोशिप अवार्ड दिया गया। नीलम नीरद किस चित्रकारी से संबंध रखती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, जादोपटिया। क्या हो जाएगा? जादोपटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा 2.66%। क्या हो जाएगा? 2.66%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताकि मुंडा मान की शासन व्यवस्था में ग्राम का धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दिवरी। क्या हो जाएगा? दिवरी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, दिवरी। क्या हो जाएगा? दिवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताकि निम्न में से किसके द्वारा राज्य में 2200 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, डीवीसी। क्या हो जाएगा? डीवीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन एवं विनिर्माण नीति किस वर्ष शुरू की गई? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, 2016 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताकि सिंहभूम क्षेत्र में देश के प्रथम गज आरक्ष्य की स्थापना किस समय की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, 26 सितंबर 2001 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सेवाती घाटी निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो सेवाती घाटी कहाँ है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बोकारो। कहाँ पे है? बोकारो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलर्स टैंक कहाँ अवस्थित है? तो मूलर्स टैंक कहाँ है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा गोड्डा। कहाँ पे है? गोड्डा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो झारखंड वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में संरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार निम्न में से किस स्थान में है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताकि निम्न में से किस नियम के आधार पर मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यूल रूल्स 1856। ऑप्शन ए हो जाएगा, यूल रूल्स 1856 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताकि सीएनटी एक्ट 1908 के अंतर्गत भुहरी कुटुंब के किसी व्यक्ति को उसके भूधिरती का विक्रय दान विनिमय बिल द्वारा अंतरित करने संबंधी नियम बनाने का अधिकार निम्न में से किसी है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्य सरकार। क्या हो जाएगा? राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य केंदुपत्ता नीति को राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष अधिसूचित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसानजोर बांध का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो मसानजोर बांध का निर्माण किस वर्ष किया गया था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बगरू पहाड़ी किस खनिज के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है? तो बगरू पहाड़ी किस खनिज के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बॉक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताकि एसपीटी एक्ट के धारा 54 के अनुसार न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में निम्न नियम बनाने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जमशेदपुर। क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में हवाई अड्डा का उद्घाटन कब किया गया? झारखंड के देवघर में हवाई अड्डा का उद्घाटन कब किया गया? तो देवघर में हवाई अड्डा का उद्घाटन कब किया गया दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 जुलाई 2022 ईस्वी को। कब किया गया? 12 जुलाई 2022 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में स्थापित कुल विद्युत क्षमता में नवीकरणीय विद्युत क्षमता के लगभग कितनी प्रतिशत भागीदारी है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4%। क्या हो जाएगा? 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उधवा झील पश्चिम बिहार की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों किस वर्ष हुई? 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताकि एसपीटी एक्ट के धारा 52 के अंतर्गत देय लगान के अतिरिक्त वसूली पर जमींदार पर कितना दंड लगाया लगाया का
लगाने जाने का प्रावधान है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 6 माह साधारण कारावास और 500 रुपया दंड, या फिर दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट में उत्पादन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ। तो बोकारो स्टील प्लांट में दोस्तों उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के अंतर्गत राज्य कितने जिले इसमें शामिल नहीं है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 2। कौन सा जिला, 2। तो कौन कौन सा जिला था वो दोस्तों, सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा को छोड़कर सभी जिला जो था वो सूखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना से लगभग कितने गांव लाभान्वित होंगे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा 276 गांव लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में नव भारत साक्षर अभियान के तहत राज्य को किस वर्ष तक पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा 2027 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन अधिनियम के अधीन यदि कोई व्यक्ति धारा 65 के अधीन दिए गए आदेशों का उल्लंघन करेगा तो उसके लिए कितनी सजा का प्रावधान वर्णित है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 वर्ष। क्या हो जाएगा, 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SPT एक्ट के धारा 48 के अनुसार लगान संबंधी रसीदों व लेखों का प्रपत्र किनके द्वारा तैयार किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा राज्य सरकार। क्या हो जाएगा, राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा स्मृति सम्मान 2022 से निम्न में से किन्हें सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो डॉक्टर रिजू नायक हो जाएगा और दूसरा नंदलाल नायक हो जाएगा, तीसरा और चौथा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल तीसरा और चौथा जो है दोस्तों वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की किस कवित्री को उनके कविता संग्रह ईश्वर और बाजार को वर्ष 2022 के बुक कैफे टॉप 10 श्रेष्ठ कविता संग्रह सूची में शामिल किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, जसिंता क्रिकेट्टा। क्या हो जाएगा, जसिंता क्रिकेट्टा। दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हमारा सेशन अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।